क्या आजकल पौधों की प्रूनिंग हो सकती है, यानी क्या आजकल पौधों को खाद दी जा सकती है, और दी जा सकती है तो हमें किन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। तीसरी चीज़, क्या आजकल मौसम सरमा की सब्जियों के बीज लगाए जा सकते हैं और कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। ग्राफ्टिंग हो सकती है यानी कि पैबंधकारी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में आपके पूछे हुए चार सवालों के जवाब मैं दूंगा। पहला, क्या आजकल पौधों की, फ्रूट ट्रीज़ की या हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उसकी प्रूनिंग हो सकती है, यानी कि उनकी कटाई या काट छांट हो सकती है। नंबर टू, क्या आजकल पौधों को खाद दी जा सकती है, और दी जा सकती है तो हमें किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। तीसरी चीज़, क्या आजकल मौसम सरमा की सब्जियों के बीज लगाए जा सकते हैं और कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। और चौथी चीज़, क्या आजकल ग्राफ्टिंग हो सकती है यानी कि पैबंधकारी हो सकती है। तो मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात कि क्या आजकल फ्रूट ट्रीज़ की, स्पेशली जिस तरह आम हो गया, बेरी हो गई या इससे मिलते जुलते कुछ प्लांट्स हैं, क्या उनकी पैबंधकारी या ग्राफ्टिंग जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, क्या हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। दिस इज़ राइट टाइम कि आप आम को, अगर आपके घर में देसी आम है तो उसके ऊपर आप अनवर रिटॉल, चौंसा, लंगड़ा, व्हाटएवर जो आपको पसंद है उसकी आप ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना वक्त नहीं है कि मैं उस ग्राफ्टिंग की डिटेल बताऊँ, लेकिन मौसम मौजू है, आप कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के क्या आजकल मौसम सरमा की सब्जियां लग सकती हैं? बिल्कुल लग सकती हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 14 अगस्त तक इंतज़ार कर लीजिए। 14 अगस्त के बाद मौसम और बेहतर हो जाएगा तो लग जाएंगी। अभी क्यों नहीं लग सकती या क्यों हमें नहीं लगानी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है, उसकी वजह यह है कि इस वक्त बारिश होती है तो टेम्परेचर इतना आइडियल और बेहतरीन हो जाता है, और जब बारिश नहीं होती तो एकदम से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर के अंदर, अप डाउन होना, ये बीज के लिए, उसकी जर्मिनेशन के लिए और जर्मिनेट हुए हुए छोटे बेबी प्लांट्स के लिए ये मुनासिब नहीं है। जब हमें एक कंसिस्टेंट या मॉडरेट मुसलसल अच्छा टेम्परेचर मिलेगा तो जिस तरह हम कंफर्टेबल फील करते हैं इसी तरह पौधे भी कंफर्टेबल फील करते हैं ग्रो होने में। आप खुद देखें कि एक दिन मौसम अच्छा होता है तो हम टी शर्ट्स पहनते हैं, बाहर निकलते हैं, मज़े से हवा में कहते हैं जी साए में भी अच्छा लग रहा है और हवा अच्छी लग रही है, तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं। और जो ही बारिश ख़त्म होती है, अगला दिन आता है, धूप निकलती है, तो एकदम से हम हाई हाई करने लग जाते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हब्स हो जाती है। तो ये जो फील हमें हो रहा है टेम्परेचर का अप डाउन होना, और अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं, पौधे भी ऐसे ही फील करते हैं। तो बेहतर है कि एक कंसिस्टेंट वेदर होने दें, टेम्परेचर को कंसिस्टेंट होने दें, मॉडरेट होने दें, तब लगाएं। तो जहन में रखिएगा कि 14 अगस्त के बाद मौसम स्टार्ट होगा मौसम सरमा की सब्जियों के लगाने का। जल्दबाजी मत कीजिए, बीज आप ज़रूर ख़रीद लें, मिट्टी आप ज़रूर तैयार कर लें, उससे पहले की जितनी भी प्री सोइंग प्रिपरेशंस हैं, जो तैयारी करनी है वो आप कर लीजिए, लेकिन बीज लगाने में खुदारा जल्दी मत कीजिए, क्योंकि मायूसी होगी तो फिर आप पीटेंगे कि भाई बीज हमने लगाए, आप चल नहीं रहे हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया। तो जिस तरह हम कंफर्टेबल आजकल फील नहीं कर रहे, पौधे भी हमारे इसी तरह अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आजकल हमें खाद डालनी चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। खाद अगर बहुत ही दिल चाह रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जी आपने खाद डालनी डालनी है पौधों को, थोड़ा सा उनको सांस लेने दें। अगर फिर भी डालनी है एक चीज़ का, एक एलिमेंट का आपने जहन में रखना है, आजकल बारिशें हो रही हैं, बारिश के अंदर नेचर ने एक न्यूट्रिएंट रखा है, एक खाद का एलिमेंट रखा है जिसको नाइट्रेट कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन। पौधे को जो बेसिक तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है खाद के अंदर जो मौजूद होते हैं, वो होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, NPK। तो N का फैक्टर हमें बारिश की सूरत में मिल रहा है, तो ऐसी खाद डालिए जिसमें N कम हो, नाइट्रोजन नाइट्रेट उसके अंदर कम हो। पोटेशियम और फास्फोरस अगर आप डालना चाहते हैं, बिल्कुल आपको नहीं सब्र हो रहा है तो डाल दें, वरना गुजारा करें, अभी मौसम नहीं है।
चलने दें पौधों को, नेचर के ऊपर फैलेंगे, वरना अगर आप ओवरडोज करेंगे तो स्ट्रेस में चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि क्या आजकल पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी कि काट छांट कर सकते हैं। जो हार्ड प्रूनिंग होती है और जो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, इसमें एक मेजर फ़र्क है। जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो उस वक्त करते हैं जब पौधे अपनी ग्रोथ रोक चुके होते हैं और डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि साइलेंट हो जाते हैं, पत्ते गिरा लेते हैं। उस वक्त उनकी कटाई छटाई करते हैं ताकि जब मौसम बहार आए, मौसम नया खुले, उस वक्त थोड़ी टहनियों पर ज़्यादा आगे पत्ते निकलें, ज़्यादा फूल निकलें और फल आपको अच्छा मिले। आप अपनी मर्ज़ी से उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, पौधों की ग्रोथ हो रही है, सम टाइम आपको ऐसा लगता है कि टहनियाँ ओवर ग्रो कर रही हैं, तो इस वक्त आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई एबनॉर्मल ग्रोथ वाली टहनी नज़र आ रही, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि पौधा डी शेप हो रहा है, तो थोड़ी बहुत सॉफ्ट कटिंग आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग आपने नहीं करनी। वैसे ये वाली एक और प्रूनिंग होती है जिसको डेड हेडिंग कहते हैं, यानी कि वो जो डेड स्टेम्स होती हैं पौधे की, वो काट देते हैं, तो वो साल के किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं, लेकिन मॉनसून में आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। खुश रहें, सब्जियों के मौसम की तैयारी कीजिए, अपने घर में अपनी सब्जियां ग्रो करके खाइए। ऑर्गेनिक हेल्दी वही सब्जी होती है जो आपने अपने घर में अपने हाथ से ग्रो की है और साफ़ पानी और साफ़ मिट्टी में ग्रो किया है, और उसके ऊपर आपने पेस्टिसाइड या जहर स्प्रे नहीं किया। बाज़ार से लाई हुई सब्ज़ी के ऊपर इन बातों की आपको कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए ग्रो योर ओन फूड, अपना उगाएं, अपना खाएं, अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।